Good evening, everyone. We are starting with our revision of chapter number 2. In today's session, हम जैसे पिछली बार मिले थे और हमने chapter number 3 and chapter number 4 का एक comprehensive revision लिया था, along with a discussion of कि आने वाली नवंबर की examinations में क्या ज़्यादा important हो सकता है और हमारे preparation में हमें ध्यान में रखना चाहिए. Similar fashion में हम हमारा next chapter discussion में ले रहे हैं, chapter number 2, that is financial and accounting system. देखने जाएं तो ये chapter is the heart of EIS. Because इसी chapter की वजह से हमारा पूरा EIS का objective achieve होता है. हम जब EIS पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हमें एक ऐसा information system चाहिए जो पूरे enterprise के लिए common होना चाहिए, जिसमें सब कुछ cover कर लिया जाए. जैसा पुराने समय में होता था कि हर department का अलग-अलग system है, वैसा ना हो और पूरी की पूरी corporate का एक ही सिस्टम हो, ताकि कॉमन डेटाबेस होगा तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होगा, डेटा फ्लो अच्छा होगा, तो उसके बेसिस पे हम ज्यादा बेटर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे. इसका मतलब ईआईएस का जो एसेंस है कि हमारे अकाउंट्स, टैक्सेशन, प्रोडक्शन, सेल्स, जितनी भी चीजें हैं वो सब एक ही जगह पे आ जानी चाहिए, उसी चैप्टर का कवरेज हमें आज करना है, जिसके अंदर हम ईआरपीस की बात करेंगे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे. इस चैप्टर को हमें पहले तो तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए, तीन क्लियर कट डिमार्केशंस हो जाते हैं. क्या? पहला वो एरिया है जिसमें खाली बेसिक्स कवर किए हैं विद रिगार्ड टू सिस्टम क्या होता है एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कैसे वर्क करते हैं. दूसरा हिस्सा वो है जिसके अंदर हम कवर करते हैं एवरीथिंग विद रिगार्ड टू ईआरपी और ईआरपी के वो 11 मॉड्यूल्स जिससे पूरा का पूरा ईआरपी बना हुआ है और उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है. एंड देन द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां हम कहते हैं ईआरपी सिस्टम की वजह से हमारी बेहतर रिपोर्टिंग हो पाती है और एमआईएस रिपोर्ट्स, एक्सबीआरएल बिजनेस रिपोर्टिंग, ये सब कैसे वर्क करता है और इसके फीचर्स वगैरह हमें कवर करने हैं. तो इस तरीके से चैप्टर के तीन हिस्से हो गए. पहला हिस्सा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम, दूसरा हिस्सा द कोर डिस्कशन ऑफ ईआरपी जिसमें हर एग्जाम में एक सवाल आता है, एंड देन तीसरा डिस्कशन जहां हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं, डेटा एनालिटिक्स का कवरेज करते हैं. सबसे पहले हम शुरुआत इस बात से कर रहे हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन का पर्सपेक्टिव देखोगे तो हर पर्सन का अपना अपना एजेंडा होता है. जैसे आप ऑडिटर से मिलोगे तो वो कुछ और कहेगा, अकाउंटेंट से मिलोगे तो वो कुछ और कहेगा, और बिजनेस के ओनर से मिलोगे तो वो कुछ और कहेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं और सब अपनी अपनी तरीके से सिस्टम्स को देख रहे होते हैं. एंड देयर बाय इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस हो जाती है कि ईआरपी एक ऐसा सिस्टम है जो सबको उनके नजरिए से जो उन्हें चाहिए वो प्रोवाइड करके दे देगा, सबके बीच में डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने देगा जो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में होती थी, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं, इसका मतलब कम्युनिकेशन गैप और कहीं ना कहीं डेटा का मिसमैच क्रिएट होने वाला है. तो हम सबसे पहले चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अ सिस्टम. तो हमें ध्यान में रखना है अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स that work together to achieve a common purpose or goal. जैसे human body एक system है जिसके अंदर बहुत सारे components हैं, एक दूसरे से interlinked है, जिनका काम है एक particular purpose achieve करना, that is एक अच्छा जीवन बिताना. इस तरीके से हर system किसी ना किसी तरह के components का interrelation है, जिसमें जब भी हम systems की बात करते हैं तो हमें तीन characteristics ध्यान में रखनी है. पहला characteristics, हर सिस्टम का एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा और एक फीडबैक मैकेनिज्म होगा, यानी कुछ डेटा आएगा तो वो कुछ प्रोसेस करके देगा और उसके बेसिस पे, फीडबैक के बेसिस पे नेक्स्ट इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा. दूसरा, सिस्टम का जो बाहरी एनवायरनमेंट है वो बदलता रहता है, लेकिन बाहरी एनवायरनमेंट बदलने के बावजूद उसको अपना इंटरनल स्टेट स्टेडी रखना होता है, उसे बिगड़ने नहीं देना होता है. जैसे कि मैंने हाथ में जो घड़ी पहनी है, उस घड़ी के बाहर का एनवायरनमेंट बदल रहा है, लेकिन उसे अपना स्टेडी स्टेट, अपनी फंक्शनिंग मेंटेन करने की कोशिश करनी है. यह सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. हर सिस्टम की एक बाउंड्री होती है जिसके तहत वो ऑपरेट करता है, जो सिस्टम ऑब्जर्वर डिफाइन करता है. तो सिस्टम के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इट हैज इनपुट, आउटपुट एंड फीडबैक मैकेनिज्म. इट हैज टू मेंटेन अ स्टेडी इंटरनल स्टेट डिस्पाइट द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड इट शैल हैव बाउंड्रीज
which are defined by the system observer. ये हमारा थोड़ा सा system का introduction दिया है. System के introduction के बाद बोला है, system का main काम क्या है? Input को process करके output ready करके देना. तो भला process का क्या मतलब होता है? Process is basically a sequence of activities that are undertaken to transform the inputs into output. जब आप standard flow of activities करते हैं और किसी input से output transform करते हैं, तो input से output transform करने को ही हम process का नाम देते हैं. तो आपको याद रखना, it is a sequence of events that transform your inputs to produce outputs. Then हम 6 concepts पढ़ते हैं आपके syllabus में. 6 concepts computerized accounting system में. ये 6 concepts क्या है, पहले अगर हम समझ लें ताकि identification easy हो जाए. हमें पहले पढ़ना है types of data, जितने भी types of data हम systems के related बात करने वाले हैं. दूसरा हमें पढ़ना है voucher type. तीसरा हमें पढ़ना है voucher number. चौथा accounting flow. पांचवा types of ledger. एंड छठा ग्रुपिंग ऑफ लेजर. इस तरीके से हमें 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा. जब भी हम टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं, तो उसके दो कैटेगरीज हो जाती है, एक मास्टर डेटा और एक नॉन मास्टर डेटा. मास्टर डेटा इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली, इट इज समथिंग दैट इज रिलेटिवली परमानेंट. जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, माई डेट ऑफ बर्थ इज नॉट गोइंग टू चेंज फ्रीक्वेंटली, बट माई वेट will change frequently. It is something that does not remain same forever. वो बार-बार बदलता रहता है. इसका मतलब वो non-master data हो गया. Non-master data को हम transaction data भी कहते हैं. अब हम ये चाहेंगे कि systems में error कम से कम हो. अगर system में error कम से कम हो, तो जो data master है, वो किसी accountant को feed क्यों करना पड़े? वो तो पहले से सिस्टम में स्टोर होना चाहिए. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुले और हम सिलेक्ट कर ले. इस तरीके से मास्टर डेटा बनाने से सिस्टम में एरर्स कम होते हैं, यानी एक तरीके का अपने आप में कंट्रोल है. हालांकि जो ट्रांजैक्शनल डेटा है, उसके लिए तो हम कोई मास्टर बना ही नहीं पाएंगे. उसे नॉन मास्टर में हमें बार बार एंटर करना ही होगा, और उसके लिए हमें अदर कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे. लेकिन जहां तक हो सकता है, जिन चीजों को हम मास्टर बना सकते हैं, उनको तो हम मास्टर बना दें. जैसे हम 4 तरह के मास्टर डेटा की बात करते हैं, अकाउंटिंग मास्टर डेटा, इन्वेंट्री मास्टर डेटा, पेरोल मास्टर डेटा एंड स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा. इसे याद रखने के लिए हम एक निमोनिक यूज कर सकते हैं, IAS, IPS, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, पेरोल एंड स्टैट्यूटरी. इस तरीके से 4 तरह की बातें हम करते हैं, जिसका हम मास्टर बना सकते हैं. जैसे कि मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूं, तो मेरे पास जो फ्रिज है, एसी है, टीवी है, ये सब मेरे पास डिफाइंड होंगे कि स्टॉक में इतने पड़े रहते हैं, तो उनका मैंने एक मास्टर डेटा बना दिया. दैट इज एन इन्वेंट्री मास्टर डेटा. वहीं अगर मैं ये देखने जाऊं कि मैं अगर अपने बुक्स वगैरह मेंटेन करता हूं, तो कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना, कैश अकाउंट का लेजर बनाना, बैंक अकाउंट का लेजर बनाना, ये सब मेरा अकाउंटिंग मास्टर डेटा हो गए. मेरे जितने एम्प्लॉइज हैं, उन सब का मास्टर डेटा तैयार रखना, दिस इज पेरोल मास्टर डेटा, ताकि सैलरी करते वक्त या उनकी लीव्स रेगुलराइज करते वक्त काम आसान हो जाए. एंड हर बिल बनाते वक्त जीएसटी लगेगा, उस पे कई बार टीडीएस काटना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें भी मास्टर में चली जाए, ताकि इसमें एरर्स ना हो. ये हमारे स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा हो गए. इस तरीके से हमारे 4 तरह के मास्टर डेटा हम कवर कर लेते हैं. मास्टर डेटा कवर करने के बाद हम कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ मास्टर है, लेकिन मेरी एज नॉन मास्टर है, क्योंकि वो तो चेंज हो रहती है, एज कभी भी सेम नहीं रहने वाली है मेरी. बट ये बाइफर्केशन हम करते क्यों हैं, ये मास्टर नॉन मास्टर का बाइफर्केशन क्यों है? इसलिए क्योंकि मास्टर डेटा आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर लोगे, उसे आपको खुद को टाइप नहीं करना, करते वक्त गलतियां हो जाती है, लेकिन लिस्ट में से सिलेक्ट करते वक्त तो ऑप्शन होता है, आसान हो जाता है हमारे लिए काम. क्योंकि जब भी मास्टर डेटा कोई यूजर सिलेक्ट करने जाएगा, तो उसे मैंडेटरी सिलेक्ट ही करना पड़ेगा, वो टाइप नहीं कर सकता है. इस तरीके से उससे एरर्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे. और मास्टर क्रिएट करना किसी भी सिस्टम में कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है. देयर आर सीरीज ऑफ अप्रूवल. जैसे कि मैं अगर मास्टर डेटा बनाने जाऊंगा, तो मैं जैसे ही सिस्टम में मास्टर डेटा डालूंगा, मेरे डालने के बाद मेरा बॉस भी उसे चेक करेगा, मेरे चेक करने के बाद मेरा बॉस भी चेक करेगा, उसके बाद आईटी टीम में एक पर्सन होगा, वो भी चेक करेगा, और आईटी टीम में जो पर्सन चेक करेगा, उसका भी बॉस चेक करेगा. इस तरीके से 4 लेवल के अप्रूवल होंगे, तब जाके एसएपी और ईआरपी सिस्टम में कोई मास्टर डेटा बनता है. इस तरीके से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो जाएगी, और 4i चेक के थ्रू वो चला जाएगा. इस वजह से हम मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है. ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था. दूसरा कॉन्सेप्ट है वाउचर टाइप. ये इंस्टीट्यूट ने लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी था,
उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि जो अकाउंट्स की दुनिया होती है और जो सिस्टम की दुनिया होती है उसमें वाउचर टाइप में फर्क होता है। हाँ जी ये सही है, फर्क होता है। आप जब अकाउंट्स की दुनिया में वाउचर सुनते हो तो आपको याद आता है इनवॉइस, बिल, ये सारी चीजें आपको ध्यान में आती है, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेकिन अकाउंट्स में वाउचर टाइप का मतलब होता है कि आपको कौन से टाइप में एंट्री करनी है। फॉर एग्जाम्पल कैश या बैंक है तो कॉन्ट्रा में एंट्री करनी है, कुछ परचेज किया तो परचेज में एंट्री करनी है, अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो डेबिट नोट में एंट्री करनी है, सेल्स हुआ तो सेल्स में एंट्री करनी है, अगर सेल्स रिटर्न हुआ है तो क्रेडिट नोट में एंट्री करनी है, पैसा आया है तो रिसीट में एंट्री करनी है, पैसा गया है तो पेमेंट में एंट्री करनी है। इसे हम वाउचर टाइप कहते हैं। इसका मतलब सिस्टम की दुनिया में वाउचर इज अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, whereas in accounts it is a documentary evidence। इस तरीके से आपको उसके कुछ examples दिए हैं। ये हमारा second topic हो गया। third topic क्या हो गया? voucher number क्या है? ये तो आसान है, it is a unique identity number, ताकि किसी भी document को track easily किया जा सके, इसलिए हम voucher number रखते हैं। voucher number में कई बार कुछ prefix भी होता है, कुछ suffix भी होता है, लेकिन voucher number के कुछ characteristics होते हैं, जैसे कि वो serially numbered होना चाहिए, chronological order में होना चाहिए, ताकि tracking अच्छी हो और backdated या गलत manipulation का काम नहीं हो पाए। ये हमारा तीसरा डिस्कशन हो गया। चौथा डिस्कशन होता है अकाउंटिंग फ्लो। ये तो हम अच्छे से जानते हैं, अकाउंटिंग फ्लो में 7 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन करना, दूसरा होता है उसकी एंट्री करना सिस्टम में, तीसरा होता है उसे लेजर में पोस्ट करना, चौथा बैलेंसिंग करना, पांचवा उससे ट्रायल बैलेंस बनाना, और छठा और सातवा उससे पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना। आज के वक्त में जो पहले दो स्टेप्स हैं वो इंसान करते हैं, लेकिन जो बाद के 5 स्टेप्स हैं वो सब सिस्टम कर देता है। हमने जीवन में जब पहली बार अकाउंट्स पढ़ा होगा तो हमने सभी खुद किया होगा, लेकिन रियल लाइफ में तो आजकल बाकी सारे स्टेप सिस्टम करते हैं। इसका मतलब इंसान क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन किया और उसकी जर्नल पास कर दी, वाउचर एंट्री पास कर दी, अब पोस्टिंग अपने आप होगी, बैलेंसिंग अपने आप होगी, ट्रायल बैलेंस अपने आप बनेगा, पीएनएल बैलेंस शीट अपने आप बनेगा, जैसे मैजिक हुआ, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर करता है। ये हमारा अकाउंटिंग फ्लो हो गया, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर पे हमारा लायबिलिटी बढ़ जाती है। टाइप्स ऑफ लेजर क्या होते हैं, ये तो हम अकाउंट्स में कब से पढ़ते आ रहे हैं। वैसे तो एक क्लासिफिकेशन होती है पर्सनल, नॉमिनल, रियल, जिसका मतलब हम जानते हैं, और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है वो लेजर्स जिनका डेबिट बैलेंस है या वो लेजर जिनका क्रेडिट बैलेंस है। जब आप डेबिट बैलेंस वाले लेजर की बात करते हो तो या तो वो एसेट लेजर होगा या वो एक्सपेंस लेजर होगा, और अगर आप क्रेडिट बैलेंस वाले लेजर की बात करते हो तो या तो वो इनकम लेजर होगा या फिर वो लाइबिलिटी लेजर होगा। अगर हम एसेट और लाइबिलिटी लेजर को पकड़ते हैं तो बैलेंस शीट बन जाता है, और इनकम और एक्सपेंस लेजर को पकड़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। ये हमारे टाइप्स ऑफ लेजर हो गए। टाइप्स ऑफ लेजर के बाद आता है ग्रुपिंग ऑफ लेजर, जो हमारा छठा डिस्कशन है। ग्रुपिंग ऑफ लेजर इज समथिंग दैट इज टू बी डन बाय ह्यूमंस, इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने एक लेजर बनाया सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का एक लेजर बनाया श्री श्याम सिंथेटिक्स, तो एक सन्ड्री क्रेडिटर है मेरा। अब जब मैं अकाउंट्स में उसका मास्टर डेटा बना रहा हूं तो वो लेजर मेरा किस में जाना चाहिए, लाइबिलिटी के ग्रुपिंग में जाना चाहिए, ना ही एसेट है, ना ही एक्सपेंस है, ना ही इनकम है। लेकिन अगर मैंने उसकी ग्रुपिंग ही गलत डाली मास्टर में तो सॉफ्टवेयर उसे पकड़ नहीं पाएगा, सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो इनकरेक्ट ग्रुपिंग में ही दिखाई देगा। इसीलिए ग्रुपिंग ऑफ लेजर तो ह्यूमंस का ही काम है, जिसे उन्हें ध्यान में रखना होगा। हाँ ये बात अलग है कि आज के वक्त में एआई वाले सिस्टम्स आने लग गए हैं, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रीजनिंग लगा के आपको कॉशन रेस कर सके कि भैया क्रेडिटर्स का लेजर बना रहे हो और एसेट बोल रहे हो उसे, ये क्या बेवकूफी है, और वो आपको सुधारने के मौका दे दें। लेकिन अदरवाइज अगर हम सिस्टम्स देखें तो जिन सिस्टम्स में एआई नहीं है वो तो आपको गलत ग्रुपिंग करने आराम से दे देगा, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान में रखना होगा। ये हो गए हमारे 6 टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ डेटा, देन आवर डिस्कशन ऑन वाउचर टाइप, देन वाउचर नंबर, देन अकाउंटिंग फ्लो, देन टाइप्स ऑफ लेजर एंड देन ग्रुपिंग ऑफ लेजर। 6 सिंपल कॉन्सेप्ट्स। इन 6 कॉन्सेप्ट्स के बाद आते हैं 3 टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। What are the 3 technical concepts given in your syllabus? पहला, software की working कैसे होती है? दूसरा, application software क्या होता है? और तीसरा, install करें application या cloud-based application चलाएं? उसमें फरक कहां क्रिएट होगा? Simple 3 topics है, ये system related technical concepts हो गए। तो पहला, working of a software देखेंगे, दूसरा, application software के बारे में समझेंगे, जो वैसे तो हमने chapter 3 में भी पढ़ा होता है, एंड तीसरा, हमारा इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में क्या फर्क है, जो वैसे तो हमने चैप्टर 4 में भी रिवाइज कर लिया होता है। तो पहले हम वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें, तो आप इसे ऐसे इमेजिन करें जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो आप ऑर्डर देते हैं वेटर को,
वेटर जाता है शेफ के पास, शेफ बना के वापस देता है वेटर को, और वेटर लाके आपको देता है। इस तरीके से वेटर आपके लिए क्या हो गया, फ्रंट एंड, और शेफ क्या हो गया, बैक एंड। सेम चीज सॉफ्टवेयर की दुनिया में होती है। हमें सामने जो डिस्प्ले पे दिख रहा है वो फ्रंट एंड है, जिससे हमने कुछ मांगा, तो फ्रंट एंड किसके पास गया होगा, बैक एंड के पास, उसे एग्जीक्यूट किया होगा, बैक एंड ने उसे फ्रंट एंड को दिखाया होगा और आपको स्क्रीन पे वो दिखा होगा। इसका मतलब वर्किंग बड़ी सिंपल है, यूजर टू फ्रंट एंड टू बैक एंड, एंड बैक एंड टू फ्रंट एंड, एंड अगेन फ्रंट एंड टू यूजर। जो सिंपल एक डायग्राम आप एग्जाम में भी बना सकते हो, जिसमें फ्रंट एंड क्या हो गया द पार्ट दैट इंटरैक्ट्स विद द यूजर, और बैक एंड क्या हो गया दैट डज नॉट इंटरैक्ट विद द यूजर बट इट इंटरैक्ट्स विद द फ्रंट एंड। क्योंकि फ्रंट एंड साफ सुथरा हो गया और बैक एंड सारी की सारी टेक्निकल मैकेनिज्म हो गई, फंक्शनैलिटीज हो गई, जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड का भेदभाव क्यों किया जाता है, उसके कुछ 5 रीजंस दिए हैं आपकी किताब में। 5 रीजंस को याद रखने के लिए आप 5 हेड पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, जिसे आप एक सिंपल निमोनिक डपल्स करके ध्यान में रख सकते हैं। पहला डी स्टैंड्स फॉर डोमेन एक्सपर्टाइज, यानी कि जो फ्रंट एंड है उसका काम ही प्रेजेंटेशन है, वो उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, और जो बैक एंड है उसका काम प्रोसेसिंग है, ऑथेंटिकेशन है, तो इसीलिए हमने ये डोमेन एक्सपर्टाइज की वजह से उनके काम अलग अलग रखे हैं। दूसरा यू, यूजर एक्सपीरियंस, फ्रंट एंड साफ सुथरा अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो यूजर देख के खुश हो, रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो, इसीलिए हम फ्रंट एंड और बैक एंड को अलग रखते हैं। सोचो रेस्टोरेंट में ऐसा हो तो कि जिसको ऑर्डर दिया वही खाना बना के लेके आएगा, तो खाना बनाते वो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो बाहर आके जब प्रेजेंट करेगा तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए हम उसको अलग अलग रखते हैं कि भाई बनाएगा कोई और दिखाएगा कोई और। इस तरीके से यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो पाता है। प्रेजेंटेशन फ्रंट एंड को फॉर्मेट में, कलर्स में प्रेजेंट करना आता है, पर बैक एंड का वो काम नहीं है। देन एल आ जाता है लैंग्वेज, फ्रंट एंड ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर रहा है ना, मेरे को समझ आ रहा है, और बैक एंड तो टेक्निकल कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करेगा, जो मुझे समझ में नहीं आएगा मुझे फिर उसकी इंटरनल वर्किंग समझनी पड़ेगी, इसीलिए बेहतर है कि उसका डिविजन रखें। और एस आ जाता है स्पीड, क्योंकि जब डिविजन हो जाएगा तो डिविजन ऑफ लेबर भी हो गया, डिविजन ऑफ लेबर के साथ साथ स्पेशलाइजेशन भी हो गया, बेसिक फंडामेंटल्स लग गए, जिसकी वजह से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये हमारे 5 डपल्स रीजन हो गए कि क्यों हम फ्रंट एंड और बैक एंड का भेदभाव करते हैं। देन आ जाता है दूसरा आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपली बहुत सारे फंक्शंस करता है जब यूजर उसमें कुछ इनपुट डालता है, जैसे SAP और एकल, ये सब जो ERP सिस्टम हम पढ़ेंगे, ये भी तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपके कुछ टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है, जिसमें हम इसमें 3-tier आर्किटेक्चर देखते हैं, जो हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा होता है। जो आपका फ्रंट एंड है, जहां आप इंटरैक्ट कर रहे हो, उसे हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं या प्रेजेंटेशन कहते हैं, और फिर जो मिडिल टीयर होता है, जो प्रोसेसिंग करता है, लॉजिक्स देखता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर बोलते हैं, या कई बार एप्लीकेशन लेयर भी बोलते हैं। एंड देन तीसरा, जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है, डेटा वेयरहाउस होता है, वो आपका डेटाबेस लेयर होता है, जहां पे डेटा स्टोरेज किया जाता है। इस तरीके से 3, इन्हीं 3 का नाम आपको चैप्टर 4 में दिया था, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस, और इन्हीं 3 का नाम यहां दिया हुआ है, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस। नाम से कुछ नहीं होता है, उसके काम वही रहने वाले हैं, नाम बदले हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं बदला है। एंड देन तीसरा आ जाता है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस वर्सेस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन क्या होता है, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डाला है, इंटरनेट नहीं चाहिए फिर भी चलेगा, वो वहीं स्टोर करेगा, वहीं प्रोसेसिंग करेगा, वहीं प्रेजेंट करेगा, दैट इज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है कि भाई सब कुछ सर्वर पे है, अगर इंटरनेट नहीं चला ना तो सामने खाली डब्बा दिखाई देगा, आइकन दिखाई देगा, चलेगा कुछ नहीं। जैसे आपके मोबाइल पे कई एप्स होंगे जिनको क्लिक करने पे वो खुलते ही नहीं होंगे अगर इंटरनेट बंद है, बोले मैं खुलूंगा ही नहीं, दैट इज अ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। और कई एप्लीकेशन ऐसे होंगे जो बिंदास आप कर लेते होंगे यूज बिना इंटरनेट कनेक्ट किए, यानी वो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। जैसे कुछ ऑफलाइन गेम्स होते हैं वो हमारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होते हैं, और जो ऑनलाइन गेमिंग होती है वो हमारे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, जो वेब पे हैं, और आपको उसके लिए ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। फर्क क्या पड़ जाता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर, अगर हम कुछ पॉइंटर्स की बात करें तो एक्सेसिबिलिटी एक अच्छा इजी पॉइंट है। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन जिस डिवाइस पे है वो डिवाइस पे ही चलेगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, अलग अलग डिवाइसेस पे मेरा आईडी पासवर्ड डाल के एक्सेस कर सकता हूं। जैसे मैं फोर्टनाइट खेलता हूं, तो फोर्टनाइट खेलता हूं तो उसके लिए मेरा आईडी पासवर्ड है। अब मैं पूरी दुनिया में किसी भी डिवाइस पे जाके अपना आईडी पासवर्ड डाल के वो गेम खेल सकता हूं, मेरा पूरा डेटाबेस वहां स्टोर्ड है, जहां तक खेला हुआ है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा गेम है जो मेरे मोबाइल पे डाउनलोड हुआ था, तो मेरे मोबाइल पे ही उसकी सारी हिस्ट्री है, अब मुझे उस मोबाइल पे ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे जीरो से किसी और जगह पे डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर खेलना पड़ेगा, तो मुझे परवेसिव एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली, एनीवेयर एक्सेस नहीं मिला, ये एक फर्क पड़ गया।
वही अगर हम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो डेटा स्टोरेज फिर वही फिजिकली स्टोर होता है, तो मुझे स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए, नहीं तो क्लाउड पे डेटा स्टोरेज क्लाउड पे होता है। आप फ्री हो गए, सर्वर स्टोरेज करेगा जैसे गूगल ड्राइव हो गया या जीमेल हो गया। हाँ, सिक्योरिटी की जहां तक बात है, अगर मेरी डिवाइस पे है तो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन अगर क्लाउड पे है मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा हुआ तो गया, रिस्क क्रिएट हो सकता है। परफॉर्मेंस इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन पे हमेशा फास्टर होगी क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो जल्दी चले, लेकिन अगर क्लाउड बेस्ड है तो कई बार इंटरनेट पे डिपेंड करेगा, लेटेंसी इश्यूज आएंगे, स्लो इंटरनेट से प्रॉब्लम्स होगी, जैसा कई बार कुछ एप्लीकेशंस को एक्सेस करते वक्त हमें देखने को मिलता है। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप अपने हिसाब से वो काम कर सकते हो, लेकिन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर अगेन फ्लेक्सिबिलिटी एक लेवल तक कई बार लिमिट हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि आपका सर्वर कितना अच्छा है, उस पर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कि सर्वर स्केलेबल है या फिर नहीं है। ये डिस्कशन हमारे तीन कॉन्सेप्ट्स हो गए, तीन सिंपल कॉन्सेप्ट्स, वर्किंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड बैक एंड डपल्स, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो थ्री टियर, एंड देन द थर्ड वन दैट इज हमारा इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में सिक्योरिटी, यूजर एक्सेसिबिलिटी, परवेसिव एक्सेसिबिलिटी और कंट्रोल और डेटा, ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं। अब हम ये कहते हैं कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सिस्टम्स मेंटेन कर रहे हो तो तकलीफ है। तकलीफ क्या है? कम्युनिकेशन गैप होंगे डिपार्टमेंट के बीच में और डेटा फ्लो नहीं होगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डेटा अलग होगा और वही डेटा सेल्स डिपार्टमेंट में अलग दिख रहा होगा, यानी मिसमैच डेटा होगा। एंड इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी नीड इंटीग्रेटेड सिस्टम, एंड दैट इज ईआरपी, दैट इज एंटरप्राइज की सारे रिसोर्सेज को एक जगह प्लान करना, उसे ही हम ईआरपी सिस्टम का नाम देते हैं। ये अब हमारा चैप्टर का सेकेंड फेज और सबसे महत्वपूर्ण फेज चालू होता है। ये जो फेज हमने फर्स्ट फेज कंप्लीट किया वो सब बेसिक थे, आसान थे, याद रखने भी आसान थे और एग्जाम में पूछे भी लिमिटेड जाते हैं, लेकिन सेकेंड फेज सबसे जरूरी है जहां हम ईआरपी की डेफिनेशन शुरू करते हैं। एक ईआरपी क्या होता है? इट इज एन एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरी एंटरप्राइज के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट हैज अ कॉमन डेटाबेस। यानी ऐसा नहीं कि तेरे डिपार्टमेंट का डेटा अलग, मेरे डिपार्टमेंट का डेटा अलग, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्जन ऑफ ट्रुथ, एक सेंट्रल रिपोजिटरी, एक सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयरहाउस, एंड इट हैज अ मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ईआरपी एक साथ लागू करना पड़ेगा, मॉड्यूल्स में लागू कर सकते हो, कि पहले सिर्फ फाइनेंशियल चालू किया, फिर सिर्फ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया, फिर सिर्फ मटेरियल का किया, इस तरीके से आप मॉड्यूल वाइज कर सकते हो। इट हैज अ मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन जिसे फिर बाद में धीरे धीरे इंटीग्रेट करके लिंक किया जा सकता है। सो इट इज एन एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट हैज अ कॉमन डेटाबेस एंड हैज अ मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन। इट केटर्स द नीड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, छोटी बड़ी जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, विच प्रोवाइड्स द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट यूजर्स एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। सही चीज सही बंदे को सही वक्त पे मिलेगी, ये ईआरपी की फंक्शनैलिटी होती है। ये ईआरपी का सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर हमारा क्रिएट हो जाता है। बेसिकली आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज हैं, उन सबको एक जगह ले आता है और हर चीज को एक जगह एग्जीक्यूट कराता है, उसे ही हम ईआरपी सिस्टम कहते हैं। ईआरपी सिस्टम के दुनिया में बहुत एग्जांपल है, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है एसएपी, दैट इज सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, वो सबसे कॉमन और यूज्ड एग्जांपल है। इसके अलावा आपकी बुक में ओरेकल, एमएफजी प्रो, एमएक्स एक्सेप्टा, ये सब भी एग्जांपल्स दिए हैं जो आपको एमसीक्यू पर्पस से ध्यान में रखने होंगे। यानी कि ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जिसके अंदर सब एक जगह आ जाएगा। तो आपके सामने ये डायग्राम अच्छा है, अकाउंट्स हो, एडमिन हो, परचेज हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, सब एक जगह, कॉमन सेंट्रल डेटाबेस सब एक जगह होगा, वही हमारा ईआरपी सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। इस ईआरपी सिस्टम के अंदर अब हमें क्या क्या आंसर्स पढ़ने हैं उसकी पहले ब्रीफिंग कर लेते हैं। ये तो हमने डिफाइन कर लिया, डेफिनेशन आपको याद रखनी है ईआरपी क्या होता है। अब डेफिनेशन के बाद हम पहले पढ़ते हैं कि ईआरपी सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं उसके। अब हर बेनिफिट के साथ आते हैं रिस्क। सो हमने सुना होगा विद ग्रेट बेनिफिट्स कम्स ग्रेट रिस्क्स, तो वैसे ही अच्छे फायदे के साथ रिस्क भी क्रिएट होते हैं। तो रिस्क पे लगाने पड़ेंगे कंट्रोल, उन कंट्रोल पे करानी पड़ेगी ऑडिट। यानी हमें क्या आंसर्स पढ़ने हैं, पहले बेनिफिट्स पढ़ने हैं, देन रिस्क पढ़ने हैं, देन कंट्रोल्स पढ़ने हैं, एंड देन उसकी ऑडिट करनी है। ये हमारा सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन है जो हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। तो आपको सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करके दी है, ईआरपी सिस्टम के क्या फायदे हैं। देखो कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे दिए आपकी किताब में, आपको वो पहले याद रखने चाहिए, सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 10-15 पॉइंट दिए हैं, 5-6 पॉइंट से भी हमारा काम हो जाएगा। पहला, पूरा इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे आपको जोमैटो पे ऑर्डर करने के बाद दिखता है ना,
रेस्टोरेंट वाला, डिलीवरी वाला, जोमैटो का सर्वर, सब लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को फोन करके कुछ पूछोगे तो बोलेगा मेरे को क्या पता, वो सब कुछ उसके सर्वर पे दिखता है। अब जोमैटो के टोल फ्री पे फोन करोगे उसको एग्जैक्टली पता होगा कि भाई तेरा सामान किधर पड़ा है और क्या लोचा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इंटीग्रेटेड है, क्योंकि वो ईआरपी सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। आपको क्लियरली दिखाई देता है जब आप जोमैटो पे ऑर्डर करते हो कि हाँ वो बंदा पहुंच गया है, वो बंदा पहुंच गया है, उसने उठा लिया है, वो लेके निकल गया है, वो लेके निकल गया, घर पहुंचने वाला है, गेट खोल लेना चाहिए, ये सब दिखाई देता है मेरे को। क्यों? क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हो गया, अपडेट हो रहा है, सब रिलेटेड है। ये ईआरपी का सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, इट रिड्यूसेस लीड टाइम। व्हाट इज लीड टाइम? मैंने ऑर्डर किया और सामने वाले ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया कि बीच में जो समय है वो जब आप कम कर पाते हो तो उसे आप कहते हो यू आर रिड्यूसिंग लीड टाइम। एक होता है मैंने ऑर्डर किया और सामने वाले ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, और एक होता है मैंने ऑर्डर किया से लेके सामने वाले ने डिलीवर किया। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मैंने ऑर्डर किया से लेके सामने वाले ने एक्सेप्ट किया ऑर्डर, तो दैट इज लीड टाइम। और मैंने ऑर्डर किया से लेके सामने वाले ने डिलीवर किया प्रोडक्ट, तो वो साइकिल टाइम होता है, जिसमें लीड टाइम भी कम होगा ईआरपी आने से, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल डेटा इजीली ट्रांसफर होगा और साइकिल टाइम भी कम हो जाएगा, और शिपमेंट जल्दी होगी, सामान जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि ऑटोमेशन होने लग जाएंगे, रिसोर्सेज बेटर यूज होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेहतर होता है, क्योंकि आप ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, स्टेटस देख सकते हो, हर चीज इंप्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और एसएपी की सबसे अच्छी बात यह हो गई कि जो टाइमली टेक्नोलॉजी अपडेट होगी उससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलने के साथ साथ ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आप 5-6 पॉइंट्स क्या याद रख सकते हो? इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन हो जाएगा, लीड टाइम कम होगा, ऑन टाइम शिपमेंट होगा, साइकिल टाइम कम हो जाएगा, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की जाएगी। ये आपके ईआरपी के बेनिफिट्स हो गए। देन बेनिफिट्स के साथ आते हैं रिस्क। हम 5 रिस्क कवर करते हैं। पीपीटी आई पी आई। व्हाट इज पीपीटी आई पी आई? पीपल रिस्क, प्रोसेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, इंप्लीमेंटेशन रिस्क एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क। ये हमारे 5 रिस्क हम कवर करते हैं कि भाई जब आप ईआरपी लागू करने जाओगे ना तो ये 5 प्रॉब्लम्स फेस करोगे। आप 5 ब्रॉड प्रॉब्लम्स, पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपका कंसल्टेंट, आपके एम्प्लॉइज, आपके वेंडर्स, आपके कस्टमर्स सब हाहाकार मचाएंगे, पीपल रिस्क क्रिएट होंगे, कोई बदलाव नहीं चाहता। जबकि हम ये बात जानते हैं कि बदलाव के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन इंसानों की सबसे बड़ी तकलीफ है लोग बदलाव नहीं चाहते, क्योंकि वो जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज अ कंफर्ट जोन। लेकिन बदलाव किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए पीपल रिस्क क्रिएट होंगे ही होंगे, जिसपे हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। दूसरा, प्रोसेस रिस्क। आप जो पुराने सिस्टम्स में जैसे काम करते आ रहे थे और अब जो करते आ रहे हो उसमें बदलाव है, और उसको आपको कवर करने के लिए प्रोसेस रिस्क के लिए कंट्रोल लगाने होंगे। टेक्नोलॉजी रिस्क, हम टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट होते हुए देखते हैं, ईआरपी इंप्लीमेंट करने में इतना समय लगेगा, जब तक वो इंप्लीमेंट होगा तब तक तो टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाएगी, इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। इंप्लीमेंटेशन रिस्क, बोलना बहुत आसान है ईआरपी लगाना है, लगाते लगाते समझ में आता है कि क्या तकलीफें हो रही है, क्योंकि कोई चीज प्लान करना इतना मुश्किल नहीं होता, एग्जीक्यूट करना होता है। जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होगे तो समझ आएगा इसमें तो बहुत समय लग रहा है, इसमें तो मेरे ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, डेटा सिक्योरिटी का थ्रेट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक वर्जन एक सेंट्रलाइज डेटा हो गया है। ये सब प्रॉब्लम आनी शुरू होगी जो इंप्लीमेंटेशन करोगे। एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, कई बार हम सोचते हैं एक बार हो गया फिर फ्री, जैसे आप में से कई लोग सोचते होंगे एक बार सीए बन गए फिर फ्री, but that is not the case. जब आपका पूरा completion हो जाएगा तो उसके बाद नए challenges भी आएंगे, that is always going to be so, and thereby post implementation issues भी हम face करेंगे, जिसके लिए हमें controls लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब 5 चीजें, people related, process related, technology related, implementation related and post implementation related, जिसमें हम पहले उठा लेते हैं people related हमारे risk क्या आएंगे। सबसे पहला change management। what is change management? कई लोगों का job profile change हो जाएगा, कई लोगों का नया सिस्टम आ जाने से हम बोलेंगे गेट आउट, तुम्हारी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अब तो हमें ये काम सिस्टम करके दे रहा है तो तुम क्यों चाहिए मेरे को, तू जा, या फिर तेरा काम कम हो गया, या कुछ लोगों का काम बढ़ भी जाएगा, क्योंकि लीगल टीम और कंप्लायंसेस टीम का काम बढ़ भी जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह बड़े मुद्दे बन जाएंगे, लोगों की जॉब प्रोफाइल चेंज होगी, लोगों का स्कोप चेंज होगा। एंड इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि कई लोग इससे दुखी होंगे, नाराज होंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। इन कारणों के लिए कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको लोगों को, लोगों को जानकार बताना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, कि घबराने की बात नहीं है, हम सबके जॉब डिस्क्रिप्शन को अल्टर करेंगे और उसके हिसाब से उन्हें कॉम्पेंसेट भी करेंगे, किसी की नौकरी खतरे में नहीं है। इस तरीके से आपको पूरा एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना पड़ेगा, क्लियरली चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा इशू है।
लोग बोल तो देंगे ईआरपी सिस्टम लगाना है, लेकिन ये भूल जाएंगी कंपनियां कि ईआरपी सिस्टम लगाने के बाद हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको बुला के सिखाना पड़ेगा नया सिस्टम कैसे यूज करना है, और सिखाने में सबको कष्ट आता है क्योंकि ट्रेनिंग देने में वक्त जाता है, पैसा लगता है, एंड देयर बाय एक रिस्क क्रिएट होगा कि जो मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग का बजट काटेगा, एंड देयर बाय हमें ऐसे कंसल्टेंट चाहिए, हमें गाइड करने वाले ऐसे लोग चाहिए जो हमें सही मार्गदर्शन पे लाए और कंपनी को बोले कि बेवकूफ ट्रेनिंग का बजट मत काट, नहीं तो तूने जो इतना खर्चा किया है ना ईआरपी पे, वो ट्रेनिंग का बजट काटने से वापस वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि उसे यूज तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग बाद में आती है तब तक पैसा बहुत लग जाता है, इसीलिए ट्रेनिंग का बजट काट दिया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। स्टाफ टर्नओवर, हमें और ढंग के क्वालिफाइड लोग चाहिए होंगे ईआरपी सिस्टम के बाद, जिसके लिए कंट्रोल ये होना चाहिए कि आपकी कंपनी में कई बार अच्छी प्रतिभाएं होती है जो छुपी होती है, उसका एक डेटाबेस बनाओ, डेटाबेस बनाओगे आपको दिखाई देगा कौन से डिपार्टमेंट में कौन पोस्टेड था, और पता चला इंटरनली ही आपके पास एक ढंग का बंदा था और उसी से आपका काम हो जाएगा, तो स्टाफ टर्नओवर एक मैनेज करना प्रॉब्लम होगा। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, जब ईआरपी लागू करना है तो आपका टॉप मैनेजमेंट है यस वी कैन डू इट, लेकिन जब लागू हो रहा होगा तो धीरे धीरे उनका मोटिवेशन कम हो जाएगा, मोटिवेशन कम होगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अपने डिजायर्ड टारगेट पे नहीं पहुंचेगा, इसीलिए हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि पहले से मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट हो, कन्विंस्ड हो, तभी हमें ईआरपी चालू करना चाहिए। कंसल्टेंट, कंसल्टेंट को जिसको हमने हायर किया है उसको हमारी कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, हम एक ऑयल कंपनी है और जिसको हमने हायर किया है वो टेलीकॉम कंपनी वाले हैं, तो उनको हमारे बारे में क्या पता है, एंड ये रिस्क क्रिएट करता है कि हमारा कंसल्टेंट को हमारे इंटरनल वर्किंग्स की जानकारी नहीं है, इसीलिए हम ऐसे कंसल्टेंट हायर करें जिनको इनकी जानकारी हो, और अगर कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा हो तो लाइजनिंग ऑफिसर्स हो जो कंसल्टेंट और मेन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में तालमेल बैठा सके। इस तरीके से पीपल रिस्क को हमें ओवरकम करना होगा। देन आते हैं प्रोसेस रिस्क। प्रोसेस रिस्क में होते हैं दो, प्रोग्राम मैनेजमेंट और दूसरा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। कई बार आप कई प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करते हो, जब आप ईआरपी की तरफ जाते हो तो उसे हम प्रोग्राम मैनेजमेंट कहते हैं, उससे कई बार गैप क्रिएट हो जाएगा। इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमें रेगुलरली जो पुराने सिस्टम्स और नए सिस्टम्स के बीच में बदलाव हुए हैं वो लोगों को समझाने होंगे, तब जाके वो प्रोग्राम मैनेजमेंट हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, दैट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। एंड दूसरा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बीपीआर, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। कितने प्रोसेसेस को आप कंप्लीटली बंद कर देते हो और नए तरीके से करते हो, स्क्रैच से चालू करते हो, ड्रामेटिक चेंजेस करते हो। जब भी आप किसी चीज में ड्रामेटिक चेंजेस करते हो तो आपको कंट्रोल में सब कुछ ओवरऑल करना होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में अब कहां फिट होता है, उसके स्ट्रक्चर्स और सैलरीज वगैरह में कैसे चेंजेस किए जाएंगे, ये सब आप कंट्रोल्स में इंक्लूड करें जब आप किसी प्रोसेस को ड्रामेटिकली चेंज करने वाले हैं। ये भी होगा कई बार ईआरपी लॉन्च करते वक्त। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या है, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। हम जब ईआरपी लागू करते हैं तो ईआरपी लागू करते वक्त बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब हमने तो एक स्टैंडर्ड पैकेज खरीद लिया, उस स्टैंडर्ड पैकेज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाहिए नहीं और कुछ ऐसी चीजें चाहिए वो उसमें है नहीं। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड पैकेज आपके काम नहीं लगेगा, कस्टमाइज कर लो, टेलर मेड अपने लिए एक वेंडर लेके बनवा लो। ज्यादातर ईआरपी सिस्टम टेलर मेड ही बनवाए जाते हैं ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को सूटेड हो, मेरे लिए सूटेड हो। अगर आप गए कि इस तरीके से कि मैंने सीधे एक स्टैंडर्ड पैकेज मार्केट से लगा लिया तो उस केस में ऐसा हो सकता है इसके बहुत सारे फीचर्स आपके काम नहीं लगे और जो काम लगे वो उसमें है ही नहीं। दिस इज वेरी सिमिलर टू कि मैंने बनी बनाई चीज खरीदी और खुद बनवाया, तो मैं जाके मार्केट में भेलपूरी खुद बनवाऊं तो मेरे हिसाब से बनवाऊंगा, मेरे को जैसा चाहिए, और अगर बनी बनाई खरीद ली तो कई बार उसका जो फीचर या उसका जो टेस्ट होगा वो मुझे मजा नहीं आएगा क्योंकि उसमें चटनी ज्यादा हो गई, इन्हें कुछ ज्यादा हो गया और वो मुझे मजा नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं है वो। इसीलिए सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी बहुत जरूरी है। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ईआरपी इंप्लीमेंट करने में 1 से 4 साल लग जाते हैं रीजनेबल साइज का ईआरपी इंप्लीमेंट करने में। जब आपने ईआरपी शुरू किया तब ये टेक लगाओगे ये सोचा था, जब तक ईआरपी कंप्लीट हुआ तब तक वो टेक पुराना हो गया था, नया टेक आ चुका था मार्केट में, सबसे बड़ा रिस्क। इसीलिए कंट्रोल क्या होना चाहिए, उसमें अपग्रेडिंग और एनहांसमेंट करना आसान होना चाहिए। ऐसे वेंडर लेना जो आपको ढंग से एनहांसमेंट और अपग्रेड करके दे, नहीं तो पता चला जब तक ईआरपी लागू हुआ तब उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब एनहांसमेंट और अपग्रेड करना ये अपने आप में एक रिस्क होता है क्योंकि एनहांसमेंट अपग्रेड करने की जब आप बात करोगे तो कई बार उसे अपडेट किया ही नहीं जाएगा, बोल तो दिया जाएगा करेंगे पर करा ही नहीं जाएगा। इसीलिए ऐसे वेंडर्स लेना जो आपका ईआरपी इंप्लीमेंट करते वक्त आपको गारंटी दे कि आफ्टर सेल भी हम हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट सर्विस हमेशा चालू रहेगी। तो उनका बैकग्राउंड चेक कर लेना कि आप ऐसे ईआरपी कंसल्टेंट्स या ऐसे ईआरपी वेंडर्स के पास जा रहे हो जो आपका साथ आखिर तक देंगे, ये नहीं इंप्लीमेंट करने के बाद गायब हो जाएंगे। होती है ना कई कंपनियां सामान बेचने के बाद भूल जाती है कि ये मेरा कस्टमर है,
हमें ऐसे वेंडर्स नहीं चाहिए, ऐसे ईआरपी वेंडर्स होंगे तो आप ही को अपग्रेडेशन नहीं मिलेंगे जिससे आपकी सिस्टम्स पुराने हो जाएंगे इतना खर्चा करने के बावजूद। एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हमारे ईआरपी में हम हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या मॉड्यूल्स डाल रहे हैं। अब हम सारे मॉड्यूल्स नहीं डालेंगे, हमें जितने नीडेड है उतने ही मॉड्यूल्स डालेंगे। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें जो मॉड्यूल्स डालने चाहिए वो हमें पता ही नहीं थे कि कौन से डालने चाहिए, क्योंकि हमारे वेंडर ने उसे हमें सही एडवाइस नहीं दी। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने पोर्टफोलियो में क्या है क्या नहीं है उसके लिए ढंग के वेंडर्स ले जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सके कि हाँ भाई हम तुमको सही सही मॉड्यूल्स बताएंगे जो तुमको इंसर्ट करने हैं, और उससे तुम्हारा रॉन्ग सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारे एप्लीकेशन पोर्टफोलियो में, तुम्हारे मॉड्यूल पोर्टफोलियो में। ये एक रिस्क है जिसपे हमें कंट्रोल चाहिए होगा। इंप्लीमेंटेशन रिस्क क्या है, बहुत समय लगता है। तो पहले दिन तो हम बहुत जोश में होते हैं, यस वी कैन, लेकिन समय जब लगने लगता है तो धीरे धीरे हमारा टेम्पो डाउन हो जाता है। जैसे हमारे साथ भी रहा होगा ना, सीए इंटर शुरू किया होगा, मजा आएगा, लेकिन जब 3-4-5 महीने गुजरे होंगे सारा मजा खत्म हो गया होगा, बोले अब मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, हमें बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और ये होता है किसी भी चीज को शुरू करते वक्त, जिसमें बहुत लंबा टाइम होता है, धीरे धीरे वह एंथुजियाज्म कई बार बैठ जाता है। दूसरा, इनसफिशिएंट फंडिंग। शुरुआत में बोला 4 करोड़ बजट में देंगे, लेकिन सबको पता है बजट ओवरशूट ही होता है, चाहे घर में शादी करा लो या छोटा सा बर्थडे पार्टी कर लो, सोच के चले थे ना इतना पैसा लगेगा, उससे ज्यादा ही लगेगा, वो फिक्स है, क्योंकि कई बार कुछ अबनॉर्मल चीजें हैं जो हम सोचते नहीं है पर हो जाती है, यानी हमेशा एक मार्जिन होना चाहिए। अब कई बार हम इसे मार्जिन में नहीं रखते एंड फंडिंग कम पड़ जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। डेटा सेफ्टी, जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तब पता चलेगा सब एक जगह आ गया, सब जगह एक जगह आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन चोर के लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि अब चोर को एक ही जगह डाका डालना है, उसके लिए भी तो आसान कर दिया आपने। एंड देयर बाय हमें ढंग के बैकअप्स और ये सारी चीजें शेड्यूल करनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ ऑपरेशन धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लग जाएगी, क्योंकि जब एक ही डेटाबेस है, कॉमन डेटाबेस है, तो कई बार एक साथ जब उस रिसोर्स को एक्सेस किया जाएगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी। इसे मेंटेन करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सिस्टम अगर कई बार फेल हो गया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। जैसे कुछ दिनों पहले आईआरसीटीसी का कई घंटों तक पूरा सिस्टम बैठ गया था, तो पूरा टेक्निकल ग्लिच की वजह से बैठ गया, तो ऑल अक्रॉस कोई टिकट बुक नहीं हो पा रही। इस तरीके से सिस्टम फेलियर हो सकता है। डेटा एक्सेस, कई बार नॉन रिलेवेंट डेटा एक्सेस हो जाएगा किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल को, क्योंकि सारा एक ही जगह लोकेटेड है, तो अगर हमने एक्सेस राइट सही से नहीं डिसाइड किए तो गलत डेटा का एक्सेस मिल गया जिसका उसको एक्सेस नहीं मिलना था। एचआर वाला प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट देख रहा है, प्रोडक्शन का डेटा देख रहा है। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क सिंपल है, जिंदगी भर की कमिटमेंट चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, नई नई फंक्शनैलिटीज आती रहेगी, उसे अपडेट नहीं किया ये रिस्क है, एंड इसका कंट्रोल यही होना चाहिए। ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जिसमें कमिटमेंट होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हम हमेशा इसे अपडेट करते रहेंगे। ये हमारे कुछ रिस्क और कंट्रोल हो गए। देन हमें एक छोटा सा आंसर एक कंट्रोल पे मिलता है, एक शॉर्ट नोट इस पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कुछ ही ऐसे राइट्स चाहिए जिसे उसे बदलने की जरूरत है, और कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिसमें उसे ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है, खाली डिस्प्ले होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रोडक्शन टीम को बिलोंग करता हूं, तो ईआरपी में तो एक पूरा कॉमन डेटाबेस है, लेकिन मुझे प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा को ही छेड़ना है, मुझे और किसी को नहीं छेड़ना, लेकिन मुझे सेल रिलेटेड डेटा देखना है, क्योंकि मुझे उससे पता चलेगा भाई मेरे को कितना प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसे ऑल्टर नहीं करना क्योंकि वो सेल्स टीम करेगी। लेकिन प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा तो मैं छेड़ूंगा भी, बदलूंगा भी, क्योंकि वो मेरा काम है, लेकिन सेल रिलेटेड डेटा डिस्प्ले में होना चाहिए ताकि उसके बेसिस पे मैं प्रोडक्शन करूं, और बाकी डेटा एचआर रिलेटेड मटेरियल मैनेजमेंट मेरे को चाहिए ही क्यों, मतलब मुझे मिलना ही नहीं चाहिए। यानी कि मुझे जो मेरे ईआरपी सिस्टम में एक्सेस मिलेगा वो एक्सेस कंट्रोल क्या होना चाहिए, मेरा रोल बेस्ड होना चाहिए कि प्रोडक्शन रिलेटेड ऑल्टर कर लो, सेल्स रिलेटेड डिस्प्ले पे रखा है, और बाकी सब नॉन एक्सेसिबल, आपको एक्सेस राइट्स नहीं मिलते हैं। बेसिकली आरबीएसी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज अ पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, इज अ पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म जिसमें एम्प्लॉइज को उनके काम के हिसाब से राइट्स और प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। इसमें हम दो तरह के पढ़ते हैं, एक को हम कहते हैं मैक और दूसरे को हम कहते हैं डैक, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ राइट्स यूजर्स को दिए ही नहीं है, बोले तू नहीं कर सकता, विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाई द यूजर्स, दैट इज अ मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। एंड कुछ राइट्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने यूजर्स को दिए हैं टू यूज एट देयर ओन डिस्क्रिशन, you want to do it or not, that is your choice, that is a discretionary access control, it means they have the rights to change it as per their needs, to wo discretionary access control ho jata hai. Is tarike se mac aur dac karke do exist karte hain. Types of access kya hote hain, mujhe kuch create karna hai, mujhe kuch badalna hai, alter karna hai create kiya hua, mujhe sirf dekhna hai, view chahiye, ya mujhe sirf print bhi karna hai, to jaisi need hogi uske basis pe aapko ye milega.
बेसिकली रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज प्रिविलेज मैनेजमेंट. इट कैन बी ऑल्सो सेड एज नीड टू डू बेसिस एंड नीड टू नो बेसिस. ये कंट्रोल्स हो गए. कंट्रोल्स के बाद आता है ऑडिट. सिस्टम ऑडिटर का काम, एक ऑडिटर क्या करेगा, कंट्रोल्स की ऑडिट करेगा. अब ये पूरा आंसर आपका चैप्टर 3 वाला ही है. इसे याद रखने के लिए यहां पर सिंपल ध्यान में रखो, गेम. गेम मतलब दो तरह के मेन कंट्रोल्स हैं, एक जनरल कंट्रोल की ऑडिट करनी है और एक एप्लीकेशन कंट्रोल की ऑडिट करनी है. जनरल कंट्रोल के अंदर दो है, मी मैनेजमेंट कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल. अब इसके खाली हेड पॉइंट्स ध्यान में रखो, अंदर का कंटेंट आप लिख सकते हो. जनरल कंट्रोल्स के अंदर जो भी आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, बेसिक कंट्रोल, जो भी प्रिवेंटिव डिटेक्टिव, वो लिखे जा सकते हैं. एप्लीकेशन कंट्रोल में इनपुट कंट्रोल, बाउंड्री कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल, ये लिखे जा सकते हैं. मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर टॉप मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल लिखे जा सकते हैं. और एनवायरमेंटल कंट्रोल में फायर, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर, वाटर डैमेज, पोल्यूशन, ये सारे पॉइंट्स हम आराम से लिख सकते हैं. कुछ चीजें जो एक ईआरपी ऑडिट करते वक्त चेकलिस्ट में एक ऑडिटर को ध्यान में रखनी है. जरूरी आंसर हो सकता है कि एक ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो उसे कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए. यहां पर कई सारी दिए हैं, 4-5 याद रखो कम से कम, कि उसे यह चेक करना है कि क्या सिस्टम गैप और गैस फॉलो कर रहा है, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सिंपल लैंग्वेज में AS और SA क्या फॉलो कर रहा है, ये उसे इंश्योर करना चाहिए. क्या सिस्टम कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सिस्टम ऑडिट के यही दो मेन फीचर्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ ऑडिटिंग, ये बात हमने चैप्टर 3 में पढ़ी होती है IAS ऑडिटिंग में. तो इस तरीके से क्या वो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी रख रहा है, क्या जो एक्सेस कंट्रोल है वो रोल बेस्ड है, आर द कंट्रोल्स रोल बेस्ड, क्या यूजर्स को हमने ट्रेन किया हुआ है, वेदर द यूजर्स आर ट्रेन, वेदर प्रॉब्लम एस्केलेशन होती है, मतलब अगर प्रॉब्लम आई तो उसे टॉप मैनेजमेंट पे भेजने का कोई जरिया है, क्या कोई विजिल मैकेनिज्म है, क्या कोई कमिटी है इसके लिए, ये सारी चीजें एक ऑडिटर अपनी चेकलिस्ट में चेक करेगा. ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, यानी जब वो ईआरपी सिस्टम की ऑडिट करेगा तो वो दो एस्पेक्ट्स पे ध्यान देगा, एक ऑडिट करेगा डेटा की और एक ऑडिट करेगा प्रोसेस की. जब वो डेटा की ऑडिट करेगा तो उसमें अगेन दो चीजें कवर करेगा, कि क्या डेटा फिजिकली सेफ है, गलत लोगों का कंट्रोल तो नहीं है उस पर, और दूसरा क्या एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है, यानी कि डेटा का जिसको व्यू की राइट्स मिलने चाहिए उसको व्यू के मिले, जिसको ऑल्टर के मिलने चाहिए उसको ऑल्टर के मिले हैं, दैट इज क्या एक्सेस कंट्रोल प्रॉपर है. एंड वैसे ही जब वो प्रोसेसेस के ऑडिट करेगा तो वो देखेगा कि क्या इनपुट वैलिडेशंस हैं, जैसे कि कोई भी एंट्री है तो क्या जो कर सकता है वही कर पा रहा है या नहीं. इस तरीके से इनपुट डेटा वैलिडेशंस जो होते हैं, जो अगेन हमने चैप्टर 3 में पढ़े थे, वो चेक करेगा. एंड दूसरा फंक्शनल ऑडिट करना, पूरे पेमेंट प्रोसेस की ऑडिट करना, पूरे सेल्स प्रोसेस की ऑडिट करना, P2P की साइकिल की ऑडिट करना, दैट इज अ फंक्शनल ऑडिट, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं. इस तरीके से ऑडिट के अंदर 3 आंसर्स हैं, एक ऑडिटिंग ऑफ कंट्रोल्स गेम, एक ऑडिटिंग चेकलिस्ट 5-6 पॉइंटर्स, एंड एक ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स, ऑडिटिंग ऑफ डेटा एंड ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस. इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बिजनेस प्रोसेस के डिस्कशन पे. यहां पर हम सीक्वेंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ा जरूरी कंटेंट है. बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस फ्लो के एग्जांपल्स क्या है, कौन सी बिजनेस कैटेगरीज है जो ईआरपी इंप्लीमेंट करती है, एंड क्या 11 मॉड्यूल्स है जो ईआरपी में होते हैं, जिसे एक एक करके जोड़ के पूरा ईआरपी रेडी किया जाता है. सबसे पहले अगर हम देखें बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, तो हम कहेंगे इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ कर रहे होते हैं तो उसे हम बिजनेस प्रोसेस कहते हैं. इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज टू डिफाइन द प्रोसेस, सेकेंड इज टू एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस मेजर कि यही अचीव होना चाहिए, एंड थर्ड इज टू डू द होल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप सो दैट स्टैंडर्डाइजेशन हो सके, यानी सारे प्रोसेस को लिंक करके पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्रिएट करना फॉर द पर्पज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो बिजनेस प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड एनवायरमेंट, इन विच द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन इट, सेकेंड स्टेप इज टू मेक परफॉर्मेंस मेजर्स, एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस मेजर्स, एंड द थर्ड स्टेप इज टू कनेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप सो दैट देर आर स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड. ये हमारा बिजनेस प्रोसेस होता है. बिजनेस प्रोसेस फ्लो की बात करें तो आपकी बुक में जैसे कि एग्जांपल दिया है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट का प्रोसेस. पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, उससे जर्नल एंट्री होती है, लेजर पोस्टिंग होती है, ट्रायल बैलेंस बचता है, कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, क्लोजिंग एंट्रीज करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. दिस इज अ प्रोसेस विच इज इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, जिसके अंदर कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स होंगे और हर टास्क डिफाइन किया हुआ है. तो ये एक बिजनेस प्रोसेस फ्लो का एग्जांपल हो गया. जब हम बात करते हैं कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में 3 बिजनेस कैटेगरीज होती है, तो जो ट्रेडिंग बिजनेस है
उसको इन्वेंट्री मॉड्यूल तो चाहिए पर मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल नहीं चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको इन्वेंट्री मॉड्यूल भी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल भी चाहिए, और जो सर्विस बिजनेस है उसको ना ही इन्वेंट्री मॉड्यूल चाहिए ना ही मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल चाहिए। यानी सबसे ज्यादा क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। अब हम हमारे कोर आंसर पे पहुंचते हैं, जो हमें 11 फंक्शनल मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। ये 11 फंक्शनल मॉड्यूल्स कैसे वर्क करते हैं और सबकी डिटेलिंग हमें करनी होगी। अभी पिछली एग्जाम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल पूछा गया था, तो हमें बाकी और मॉड्यूल्स पे भी ध्यान देना होगा कि इसे भी पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंट्स देखता है, कंट्रोलिंग मॉड्यूल कॉस्ट अकाउंटिंग देखता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉड्यूल खरीदने से लेकर बेचने तक का हर प्रोसेस देखता है, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल रॉ मटेरियल खरीदने की बात करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल प्रोडक्शन करके सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड्स बनाने की बात करता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल बेचने की बात करता है, CRM मॉड्यूल कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके सेल्स बढ़ाने की कोशिश करता है और बेटर रिलेशनशिप कस्टमर के साथ मेंटेन करने की कोशिश करता है, HR मॉड्यूल आपके एम्प्लॉय और वर्कमैन का पूरा डेटा होल्ड करता है और एंड टू एंड उसके रिलेटेड सारा कवरेज करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल मटेरियल जो खरीदा मटेरियल जो बनाया और सेल जो कर रहे हो उसकी क्वालिटी को होल्ड करने के लिए QM मॉड्यूल काम करता है, प्रोजेक्ट अगर आप कोई कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसे आप बाद में कैपिटलाइज करोगे तो उसके रिलेटेड हर चीज प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल में होती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे प्लांट एंड मशीनरी है, उन सारे प्लांट एंड मशीनरी को मेंटेन करना, उसके ब्रेकडाउन होने से उसे बचाना, उसको ऑप्टिमम रखना हमारा प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल करता है। इस तरीके से हमें 11 मॉड्यूल्स जिनका सबका अपना अपना रोल है ईआरपी में, उन्हें एक एक करके डिस्कस करना है जो आपके सामने एक सीक्वेंस में समराइज किए हुए थे। सबसे पहला हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल की। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो बेस मॉड्यूल है बिकॉज इट इज समहाउ कनेक्टेड विथ एवरी अदर मॉड्यूल। इसमें क्या क्या कवर किया जाता है, इट ट्रैक्स द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा, इट क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइनिंग अ कंपनी, अ कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, फंक्शनल एरिया, सब इसमें किया जाता है। जो ग्लोबल अकाउंट सेटिंग्स है अक्रॉस कि फिस्कल ईयर क्या होगा, पोस्टिंग पीरियड क्या होगा, डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या होंगे, वो सब यहां बनाए जाते हैं। जो पूरी लेजर अकाउंटिंग होती है दैट इज क्रिएटिंग अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल में होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल दैट इज कस्टमर मास्टर डेटा एंड वेंडर मास्टर डेटा भी यहां मेंटेन किया जाता है। एसेट अकाउंटिंग और टैक्स कॉन्फ़िगरेशन भी यही करते हैं हम। जो हमारे SND मॉड्यूल और MM मॉड्यूल का इंटीग्रेशन होगा वो भी हमारा इसी मॉड्यूल से किया जाएगा। इस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल में कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा, क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज डिफाइनिंग कंपनी एंड कंपनी कोड, मेंटेनेंस ऑफ ग्लोबल अकाउंट सेटिंग्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, इंटीग्रेशन विद SND एंड MM मॉड्यूल, एसेट अकाउंटिंग एंड टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल में होता है। ऐसे कंट्रोलिंग मॉड्यूल में हम दो एलिमेंट्स कवर करते हैं, एक कॉस्ट एलिमेंट और एक प्रॉफिट एलिमेंट। कॉस्ट एलिमेंट में हमारे कॉस्ट सेंटर्स कवर होते हैं और प्रॉफिट एलिमेंट में हमारे प्रॉफिट सेंटर्स कवर होते हैं। यानी यहां पर हम क्या क्या देखते हैं, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग करते हैं, जितने भी हमारे फंक्शनल एरियाज हैं उन सब में कितनी कॉस्टिंग हमारी लगी, तो कॉस्ट सेंटर्स क्या हो गए, हमारे मार्केटिंग में क्या खर्चा लगा, परचेजिंग में क्या लगा, HR में क्या लगा, ये सब की कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग करना। एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग करना, जो क्रॉस फंक्शनल कॉस्ट होते हैं, दो दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट ड्राइवर्स के बेसिस पे हम असर्टेन करते हैं, वो हमारा एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर जाता है। इंटरनल ऑर्डर, किसी की जॉब कॉस्टिंग करना, बैच कॉस्टिंग करना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करना इज एन इंटरनल ऑर्डर। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग करना, डिपेंडिंग अपॉन कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एरियाज हैं जहां से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है, उनकी प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग करना। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना, यानी कि नेट फायदा हो रहा है या नुकसान किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में, उसकी एनालिसिस करना, ये सब हमारे कंट्रोलिंग मॉड्यूल में करते हैं। तो आपको याद क्या क्या रखना है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग में फंक्शनल एरियाज की अकाउंटिंग की जाती है, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग में क्रॉस फंक्शनल अकाउंटिंग की जाती है, इंटरनल ऑर्डर्स में किसी जॉब या सर्विस की कॉस्टिंग ट्रैक की जाती है, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में किसी एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एलोकेशन किया जाता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर आपका क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फंक्शन में, उसे असर्टेन किया जाता है। ये कंट्रोलिंग मॉड्यूल करता है, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, जिसमें दो एलिमेंट्स हो गए, कॉस्ट एलिमेंट एंड प्रॉफिट एलिमेंट। देन आता है SND मॉड्यूल। अब जो आपने दो आंसर्स पढ़े, फाइनेंशियल मॉड्यूल और कंट्रोलिंग मॉड्यूल, इसके आपकी बुक में खाली की फीचर्स दिए थे, तो हमने पढ़े भी वही फाइनेंशियल मॉड्यूल के की फीचर्स पढ़ लिए और कंट्रोलिंग मॉड्यूल के की फीचर्स पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है SND मॉड्यूल। SND मॉड्यूल के फीचर्स भी दिए हैं और प्रोसेस भी दिया है, दोनों दिए हैं। तो पहले अगर हम प्रोसेस देख लें, तो SND मॉड्यूल का प्रोसेस क्या है, पहले कुछ प्री सेल्स एक्टिविटीज होती है, डेमो वगैरह दिखाया जाता है कि सामान खरीदो, फिर आपको पसंद आता है तो आप सेल्स ऑर्डर देते हो, सेल्स ऑर्डर देने के बाद जिसको ऑर्डर दिया वो इन्वेंटरी सोर्स करता है, वो खुद खरीदता है आगे से।
इन्वेंट्री सोर्स करने के बाद वो आपको मटेरियल डिलीवर करता है, मटेरियल डिलीवर करने के बाद आपको बिल देता है, बिल देने के बाद आप उसका क्या करते हो, पेमेंट, तो बंदे को रिसीट होता है। तो एसएनडी मॉड्यूल में 6 स्टेप्स क्या हो गए, पहले प्री सेल्स एक्टिविटीज होगी, डेमो वगैरह दिखाया जाएगा, फिर सेल्स ऑर्डर दिया जाएगा, इस दिन पहुंचाना है, इतना पहुंचाना है, इस रेट पे पहुंचाना है, फिर उसके बाद सामने वाला इन्वेंट्री को सोर्स करेगा, वो मटेरियल को खुद मंगाएगा, फिर वो आपको मटेरियल डिलीवर करेगा चौथे स्टेप में, पांचवा वो आपका बिल बना के देगा जीएसटी लगा के कि ये इतना इतना पैसा बनता है, और छठा वो आपसे पैसे रिसीव करेगा। ये एसएनडी मॉड्यूल का प्रोसेस हो गया। और एसएनडी मॉड्यूल के फीचर्स क्या हो गए, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेट करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेट करना मतलब कंपनी, कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, फंक्शनल एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को असाइन करना, असाइन करना मतलब कंपनी को कंपनी कोड से लिंक करना, कंपनी कोड को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बिजनेस एरिया और सेल्स एरिया से ये लिंकिंग करना, प्राइसिंग कंपोनेंट्स डिफाइन करना कि ये कंडीशन सैटिस्फाई हो गई तो ये एक्शन करना है, मतलब इतना सामान हिट हो गया तो आपको इतना डिस्काउंट देना है, तो वो प्राइसिंग कंपोनेंट डिफाइन करना, बिलिंग टाइप और डॉक्यूमेंट टाइप सेट करना कि बिल ऑफ सप्लाई बनेगा, टैक्स इनवॉइस बनेगा, कौन सा बनेगा, एंड पांचवा कस्टमर मास्टर डेटा मेंटेन करना और उसके रिलेटेड कॉन्फिगरेशन जो आपके फाइनेंशियल मॉड्यूल से लिंक होंगे। तो 5 पॉइंट्स, क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, डिफाइनिंग प्राइसिंग कंपोनेंट्स, सेटिंग अप डॉक्यूमेंट टाइप्स और एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड कस्टमर मास्टर डेटा एंड इट्स रिलेटेड कॉन्फिगरेशन। ये आपको की फीचर्स में एसएनडी मॉड्यूल में और प्रोसेस में ध्यान रखना है। एचआर मॉड्यूल बड़ा इजी है। एचआर मॉड्यूल क्या करता है, राइट फ्रॉम हायरिंग अ पर्सन टू इवैल्यूएटिंग योर परफॉर्मेंस टू टेकिंग केयर ऑफ योर प्रमोशन टू टेकिंग केयर ऑफ योर कंपेंसेशन योर बेनिफिट्स एंड टिल द पॉइंट यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन आफ्टर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, जितनी चीजें होती है वो सब एचआर मॉड्यूल के अंदर की जाती है। सो एक एम्प्लॉय वर्कमैन मास्टर डेटा बनाया जाएगा, एक हॉलीडे मास्टर होगा जिसमें आपको क्या क्या छुट्टियां मिलेगी, कितना मिलेगा वो लिखा होगा, एक अटेंडेंस एंड वेज रेगुलराइजेशन होगा कि किस दिन आए, किस दिन नहीं आए, किस दिन जल्दी आए, किस दिन जल्दी चले गए, किस दिन आपने हाफ डे लिया, वो अटेंडेंस एंड वेज रेगुलराइजेशन होगा। मंथली सैलरी ऑटोमेट होगी, जितने दिन आए उसके हिसाब से सैलरी लेके बैंक में आ जाएगी, सिस्टम अपने आप ऑटोमेट कर देगा। यू विल गेट मैग्नेटिक कार्ड्स जो आपके एसएपी से लिंक्ड होंगे और ये मैग्नेटिक कार्ड से ही आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन वगैरह होगा, सारे फिगर्स प्रोटेक्टेड होंगे अंडर अ पासवर्ड। अगर आपको कोई लोन वोन दिया है वो भी इस मॉड्यूल में कवर्ड होगा, यानी हर चीज जो आप सोच सकते हो ना, किसी कंपनी में काम करोगे से लेके छोड़ोगे के बीच में होनी चाहिए, पीएफ कटेगा, ईएसआईसी की फॉर्मेलिटीज होगी, वो सब एचआर मॉड्यूल के अंदर कवर कर लिया जाएगा। एचआर मॉड्यूल के बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आता है प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल का प्रोसेस क्या होता है, 4 स्टेप्स, इश्यू ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर, कन्वर्टिंग इट इंटू सेमी फिनिश गुड्स, कन्वर्टिंग इंटू फिनिश गुड्स एंड फाइनली ट्रांसफरिंग इट टू द गोडाउन फ्रॉम वेयर इट विल बी सोल्ड थ्रू एसएनडी मॉड्यूल। ये प्रोसेस होता है। की फीचर्स इसके अंदर क्या कवर किए जाते हैं, एक मास्टर डेटा मेंटेन करो विच इज रिलेटेड टू मटेरियल, सेकेंड सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग करो, दैट इज द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द सेल ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग करो, द एबिलिटी टू प्लान डिमांड कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितनी डिमांड क्रिएट होने वाली है, प्रोडक्शन प्लानिंग करो, दैट इज मटेरियल कितना चाहिए होगा उसकी फोरकास्टिंग करो और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे ऑर्डर की जाए ताकि मैं अपने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकूं, अपनी सारी मशीन्स की कैपेसिटी प्लानिंग करो कि वो ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट करें और अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो एंड प्रोडक्ट कॉस्ट को कंट्रोल करो। ये सब हमारे पीपी मॉड्यूल में किया जाएगा। याद रखने के लिए इजी है, 5 बातें याद रख सकते हो, मास्टर, एसओपी, डीआरपी, एमआरपी और पीपी करके 5 तो इजीली फीचर्स याद रखे जा सकते हैं। देन आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल में खाली प्रोसेस दिया है। प्रोसेस क्या है, पहले परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आती है ये सामान खरीदो, तो परचेज डिपार्टमेंट कोटेशन भेजता है, कोटेशन भेजता है तो वो कोटेशन से जितनी भी चीजें आती है उसको इवैल्यूएट करता है, इवैल्यूएट करने के बाद परचेज ऑर्डर बनाता है, परचेज ऑर्डर बना के उसके अंदर ड्यू डेट क्या होगी, प्लेस क्या होगी, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, ये सब डालता है। परचेज ऑर्डर के बेसिस पे सामान आता है, मटेरियल रिसीव होता है, मटेरियल रिसीव हो जाने पे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू हो गया, जो बिल आया होता है वो बिल परचेज डिपार्टमेंट देता है पेमेंट डिपार्टमेंट को और पेमेंट डिपार्टमेंट वेंडर को पेमेंट कर देता है। सो सिंपल स्टेप्स हैं आपके एमएम मॉड्यूल के, सिर्फ प्रोसेस का आंसर दिया हुआ है। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल, ये समहाउ रिलेटेड टू पीपी मॉड्यूल भी है, एसएनडी मॉड्यूल भी है, एमएम मॉड्यूल भी है, क्योंकि सबसे कहीं ना कहीं ये लिंक करता है। प्रोसेस में 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं क्वालिटी में, पीसीएआई, प्लान करो क्वालिटी, कंट्रोल करो क्वालिटी, अश्योर करो क्वालिटी और इंप्रूव करो क्वालिटी, 4 चीजें। प्लान करो मतलब गोल सेट करो, यू वांट टू अचीव दिस, सेट द गोल्स,
कि टारगेट क्या है, आपका बेंचमार्क क्या है। क्वालिटी कंट्रोल करो, यानी पीरियोडिक रैंडम इंस्पेक्शन करो। आपकी कंपनी में लोगों को पता होना चाहिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए रैंडम इंस्पेक्शंस करो, तभी लोगों को पता चलेगा कि मैनेजमेंट इज सीरियस अबाउट मेकिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तीसरा, अश्योरेंस लो। अश्योरेंस कब होता है? जब आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करते हो, तब अश्योरेंस आता है। एंड इंप्रूवमेंट जिंदगी भर चलता है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो कभी खत्म नहीं होता। इस प्रोसेस के अंदर आपको क्या करना होगा, क्वालिटी टारगेट्स को मीट करने की कोशिश करनी होगी, कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस को मीट करना होगा, और ओवरऑल लेवल अचीव हो रहा है नहीं उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। देन आता है प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल में सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, 7 स्टेप्स याद रखो। सबसे पहले क्रिएट अ प्रोजेक्ट, सो यू रिक्वेस्ट अ प्रोजेक्ट, सो यू रिक्वेस्ट अ प्रोजेक्ट, टेम्पलेट्स आर क्रिएटेड। आफ्टर क्रिएटिंग टेम्पलेट्स यू विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट, द क्रिएटेड प्रोजेक्ट विल देन हैव टू बी इनिशिएटेड, सो देयर विल बी अ प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट होगी उसकी बजटिंग और रिलीज की जाएगी, बजटिंग और रिलीज होगी तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाने के बाद उसे कंप्लीट किया जाएगा, जिसे पूरा प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती है। तो पहले रिक्वेस्ट किया जाता है प्रोजेक्ट, टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं, देन प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, देन उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू की जाती है। इंप्लीमेंटेशन शुरू करने के पहले बजटिंग होती है, बजटिंग रिलीज की जाती है, देन इंप्लीमेंट हो जाने के बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। और इसको पूरी तरह से प्रोग्रेस और मॉनिटर कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, जो कंट्रोलिंग मॉड्यूल से लिंक्ड होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत हद तक सारे मॉड्यूल से लिंक्ड है। एमएम भी आएगा इसके अंदर, लॉजिस्टिक्स भी आएगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग भी आएगा, एवरीथिंग इज ओवर हियर। तो पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल चाहिए आपको। देन उसके बाद आता है प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, ये काफी जरूरी है। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल में 2 आंसर्स है, एक ऑब्जेक्टिव भी और एक प्रोसेस भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बीओए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बीओए। बी, द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव मिनिमम ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, मशीनें बंद नहीं होनी चाहिए, दैट इज वन ऑब्जेक्टिव। ओ, ऑप्टिमम रिटर्न आना चाहिए, यानी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। एंड ए, सारी मशीन्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि मशीनें बंद पड़ी है, मशीनें अवेलेबल नहीं है, वो जब चाहिए तब अवेलेबल होनी चाहिए। इस तरीके से बी ओ ए, बी स्टैंड्स फॉर आपको ब्रेकडाउन नहीं हो, ओ स्टैंड्स फॉर आपकी ऑप्टिमम रिटर्न आती रहे, और ए अवेलेबिलिटी हो मशीन्स की। आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक इक्विपमेंट मास्टर डेटा बनाओ, जिसमें हर इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड डेटा है, कब खरीदा, किससे खरीदा, कितने में खरीदा, कहां लगाया, एवरीथिंग इक्विपमेंट का मास्टर डेटा। दूसरा, पीएम रिपोर्ट्स बनाओ, प्लांट मेंटेनेंस रिपोर्ट, कितने टाइम में मेंटेनेंस हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, उसमें क्या एरर्स निकल के आए, और उन पीएम रिपोर्ट्स को रिव्यू करो। एंड तीसरा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए, कि हर 6-6 महीने में इस मशीन का हम प्रिवेंशन शेड्यूल करते हैं, ताकि खराब हो जाए और फिर ठीक करने जाए तो ऑपरेशन डिसरप्ट होंगे। इससे अच्छा है अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो मिनिमम डिसरप्शन से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली ऑप्टिमम कैपेसिटी पे रन कर पाओगे। इस तरीके से 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है प्रोसेस के अंदर। देन इसके बाद आता है सप्लाई चेन मॉड्यूल। सप्लाई चेन मॉड्यूल इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बिजनेस एंटिटीज, विच कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी एससीएम मॉड्यूल में सब आ जाता है, मटेरियल वेंडर से खरीदने से लेके प्रोडक्शन करके, सेल्स करके, कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करने तक के प्रोसेस को हम एससीएम मॉड्यूल कहते हैं। इसीलिए हम इसे ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस बिजनेस एंटिटी कहते हैं, जिसके अंदर सब कुछ मेजरली कवर कर लिया जाता है, जो बाकी मॉड्यूल थोड़ा थोड़ा करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या करता है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ संबंध सुधारो, नए कस्टमर्स ढूंढो, और कोई कस्टमर जो पहले आपका था पर छोड़ के चला गया उसे वापस जीतो। ये 3 काम करता है सीआरएम मॉड्यूल। आपको सीआरएम मॉड्यूल के खाली बेनिफिट्स दिए हुए हैं। बेनिफिट्स क्या, कस्टमर रिलेशनशिप्स इंप्रूव करो, दैट इज कस्टमर लॉयल्टी गेन करो, एक कस्टमर को अपना बनाओ, वो आपके बहुत भला करेगा। दूसरा, कस्टमर रेवेन्यू इंक्रीज करो, और अवेन्यूज ढूंढो, कैसे अपना बेस बढ़ा सकते हो। अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग बढ़ाओ, यानी कि अगर किसी सामान को बेच रहे हो तो उसका प्रीमियम प्रोडक्ट बेचो, अपसेलिंग होता है वो। क्रॉस सेलिंग, किसी कस्टमर को कोई सामान खरीदते वक्त कॉम्प्लीमेंट्री भी दो, फ्री दो, उससे उसको अच्छा लगता है, क्योंकि फ्री चीजें हर कस्टमर को अच्छी लगती है, उससे वो आपका अपना बनता है। तो अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग करो, इससे इंटरनल कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि आप रेगुलरली अपने कस्टमर को एंगेज करोगे सोशल मीडिया वगैरह पे, क्योंकि आप एक सीआरएम डेटाबेस बनाते हो, और मार्केटिंग कैंपेन भी बेटर होगा, यानी टारगेट ऑडियंस को अचीव कर पाओगे, 1-to-1 मार्केटिंग कर पाओगे रैदर देन 1-way मार्केटिंग। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स ले पाओगे। ये आपका सीआरएम मॉड्यूल हो गया, जिसके साथ हमारे सारे मॉड्यूल्स हो गए। अब आता है कि कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है इन 11 मॉड्यूल्स का। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल लगा दो, क्योंकि उसी को लॉजिकली सबसे लिंक किया जाता है, जिसमें 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं।
पहला मास्टर डेटा जो होता है वो सबका फाइनेंशियल मॉड्यूल से लिंक्ड है। कोई भी ट्रांजेक्शन डेटा है तो वो अल्टीमेटली घूम फिर के फाइनेंशियल में तो जाएगा ही, क्योंकि उसकी पेमेंट तो वहीं से होने वाली है। जितने वाउचर टाइप्स हैं, चाहे कॉन्ट्रा हो, पेमेंट हो, रिसीट हो, जितना भी है, वो सब भले अलग अलग मॉड्यूल्स के हैं पर बनते तो फाइनेंशियल मॉड्यूल में ही है। और सारा डिपार्टमेंट का जो ट्रांजेक्शन फ्लो है वो फिगर्स घूम फिर के तो फाइनेंशियल मॉड्यूल से ही पास होंगे। इसीलिए फाइनेंशियल मॉड्यूल आपका बेस है जिसके साथ ही इंटीग्रेशन किया जाता है। अब आप इंटीग्रेशन कैसे भी कर सकते हो, एमएम को फाइनेंशियल से करो, एचआर को फाइनेंशियल से करो, एमएम को पीपी से करो, इस तरीके से छोटे छोटे इंटीग्रेशन करके ही हम पूरा का पूरा ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं। इसके साथ हमने हमारे चैप्टर का सेकेंड फेज कंप्लीट कर लिया, ईआरपी के सिस्टम्स के रिलेटेड सारा डिस्कशन। अब हमारा तीसरा लास्ट फेज आ जाता है जहां पे हम कवर करते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम्स विथ रिगार्ड टू अवर ईआरपी, क्योंकि ईआरपी की वजह से कॉमन डेटाबेस आया और कॉमन डेटाबेस आने की वजह से हमें अच्छी रिपोर्ट्स मिलेगी। हम यहां पर पांच टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पांच टॉपिक्स का पहले ही ओवरव्यू ले ले, एमआईएस रिपोर्ट्स। एमआईएस रिपोर्ट्स क्या है, क्या काम लगती है, ये सारी बातें। देन उसके बाद पढ़ेंगे डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या है, कितने टाइप्स की होते हैं, कैसे वर्क करता है। देन हम पढ़ेंगे अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा एनालिटिक्स, बीआई। तो बीआई कैसे वर्क करता है, उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह क्या है। देन हम कवर करेंगे अबाउट एक्सबीआरएल। इसके बारे में आप कंपनी लॉ में पढ़ते हैं कि कुछ कंपनियों को एक्सबीआरएल फॉर्मेट में फाइलिंग करनी होती है। एंड देन लास्ट में पढ़ेंगे कि टैक्स का सॉफ्टवेयर अलग रखना चाहिए या आपके मेन सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज कर देना चाहिए, उसके फायदे और नुकसान क्या है। इस तरीके से हम कुछ तीन चार पॉइंट्स वहां पढ़ेंगे, फायदे नुकसान क्या होंगे, पांच आंसर्स पढ़ने हैं। तो पहला आंसर शुरू करते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम। एक रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल वे, उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। जैसे सबसे बेसिक रिपोर्ट हो गई पीएनएल और बैलेंस शीट, या जो कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट होती है जिसके अंदर एक एमडीएनए सेक्शन होता है, मैनेजमेंट एंड डिस्कशन एनालिसिस सेक्शन होता है, जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स को बताया जाता है कि भाई ये रिपोर्ट में हम कंपनी के लिए क्या क्या सोच रहे हैं विद रिगार्ड टू वेरियस फैक्टर्स। एमआईएस रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली एक ऐसी टूल होता है जिससे मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग लेना आसान हो जाएगा। कंपनियों में हर दिन हजारों रिपोर्ट्स क्रिएट की जाती है ताकि जो अपर मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो आसानी से डिसीजन ले सके, उसे हम एमआईएस रिपोर्ट का नाम देते हैं। कई सिस्टम्स ऑन डिमांड जनरेट करती है ये रिपोर्ट्स, यानी जब चाहिए तुरंत ये रिपोर्ट मिल जाएगी, यानी कंसोलिडेटेड चीजों को ब्रीफ करके देना ताकि डिसीजन मेकिंग करना मैनेजमेंट के लिए आसान हो जाए। किसी भी एमआईएस रिपोर्ट में चार चीजें होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया उनकी इंफॉर्मेशन में फुलफिल होना चाहिए, इसे हम स्टार करके याद रख सकते हैं। एस स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जैसे आपका प्रेजेंटेशन आपके आंसर की का होता है, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, चंक्स ऑफ पैसेजेस होनी चाहिए, ये नहीं लंबा लंबा लिखा है ऐसे टाइप आंसर, मजा नहीं आता है। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, काम की चीजें समय पे मिलनी चाहिए। मैं एमआईएस रिपोर्ट अभी मांगू, कल मिल रही है, अरे चला गया, मार्केट बंद हो गया, मार्केट जब चल रहा था तब चाहिए था, टाइमली चाहिए था। एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा ही गलत है तो क्या अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है तुमने, प्रेजेंटेशन बाद में आती है, पहले एक्यूरेसी आता है। एंड रेलेवेंट होना चाहिए, काम की चीजें दोनों रिपोर्ट में, अननेसेसरी इरेलेवेंट चीजें भर रखी है, मुझे वो चाहिए ही नहीं, क्विक चाहिए था, ब्रीफ चाहिए था, तो रिपोर्ट थोड़ी सी रेलेवेंट होनी चाहिए, स्टार फुलफिल होना चाहिए। अब आ जाता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या है, इट इज बेसिकली एग्जामिनिंग डेटा सेट्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू ड्रॉ कंक्लूजंस। तो बहुत बड़ा चंक है मेरे पास डेटा का, उसमें से निकाल के कुछ ढूंढ के देना जिससे मैं अच्छे डिसीजंस ले सकूं, चाहे मैंने उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज किए हों ढूंढ के लाने के लिए। इसमें हम बीआई और ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की बात करते हैं। फायदा क्या होता है, इससे कस्टमर रिवेन्यू बढ़ती है, मार्केटिंग बेटर हो पाती है, कम्युनिकेशन बेहतर हो पाता है। टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स क्या है, एक होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स और एक कंफर्मेटरी डेटा एनालिटिक्स। कुछ खोजना डिटेक्टिव इज एक्सप्लोरेटरी, और कुछ पता है लेकिन उसको कंफर्म करना कि ये सही है या गलत जज इज कंफर्मेटरी। क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ये तो हम समझते हैं। न्यूमेरिक डेटा होगा तो क्वांटिटेटिव है, नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा तो क्वालिटेटिव है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम चार तरह के केसेस कवर कर सकते हैं जो आपने पहले ही चैप्टर 3 चैप्टर 4 में पढ़ लिए हैं, डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ये सब डेटा एनालिटिक्स के एग्जांपल है। डेटा एनालिटिक्स प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कहां कहां किया जाता है, मोबाइल कंपनियां यूज करती है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज यूज करती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री यूज करती है, ई कॉमर्स कंपनियां, अमेजन, फ्लिपकार्ट, दुनिया भर का डेटा एनालिटिक्स यूज करती है। How does data analytics work? Easy answer है, 3 steps. पहले data collection होगा, then data की quality fix की जाएगी, and then analytical model बनेगा। तो पहले data collection होगा from various sources, from data warehouse and from external databases like Hadoop cluster या NoSQL database, इन सब जगहों से data collection होगा। अब जो data collect होके आया from various sources जिसका integration आपने किया, उसमें कई सारी duplicate entries होगी,
कई सारी नॉन स्टैंडर्डाइज डेटा होगा, कस्टमाइज फॉर्मेट्स होंगे, तो आपको डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, डुप्लीकेट एंट्रीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू फिक्स दैट डेटा फॉर द क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड देन यू विल ट्राई टू बिल्ड अ मॉडल, टेस्ट एंड ट्रेन दैट मॉडल सो दैट यू गेट एन एनालिटिकल मॉडल, लाइक कौन सी स्टॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, कि आगे आने वाले वक्त में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए मार्केट में, वो हमें एक सिस्टम करके देगा, तो दैट इज डेटा एनालिसिस का एक मॉडल। तो तीन स्टेप्स हो गए, डेटा कलेक्शन, फिक्स करो डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम, एंड देन एनालिटिकल मॉडल बिल्ड करो। देन आता है बीआई। बीआई का क्या मतलब है? जब आप डेटा एनालिसिस पूरा सिस्टम ड्रिवन करते हो तो वो बीआई हो जाता है। सो इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस वेयर यू आर प्रोवाइडिंग डेटा फॉर द कॉर्पोरेट्स फॉर टेकिंग बेटर डिसीजन। सो आसानी से डिसीजन ले सके, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, उसके लिए आप बीआई यूज करते हो। बीआई यूज करने के रीजंस क्या हैं आज के वक्त में? इट इज अ डायनेमिक वर्ल्ड वेयर द कॉम्पिटिटर्स डेटा इज रेलेवेंट, द बिहेवियर पैटर्न ऑफ कंज्यूमर, देयर हैबिट्स, देयर स्पेंडिंग हैबिट्स, व्हाट अ फर्म इज केपेबल ऑफ, व्हाट इज द मार्केट कंडीशन, द फ्यूचर ट्रेंड्स, द इकोनॉमिक फोरकास्ट, द एनवायरमेंटल सिचुएशन, द पॉलिटिकल सिचुएशन, द रेगुलेटरी एनवायरमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर टेकिंग बिजनेस डिसीजन, जिसमें हमें बीआई हेल्प करेगा, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर सारे डेटाबेसिस का यूज करेगा। बीआई का फायदा क्या होगा? आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, इंटरनल कम्युनिकेशन बेटर होगा, मार्केटिंग बेटर होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड यू विल बी एबल टू टेक टाइमली डिसीजंस, सही समय पे डिसीजंस ले पाओगे। इजी आंसर है। बीआई की टेक्नोलॉजी क्या है? इट कवर्स अ ब्रॉड सेट ऑफ एप्लीकेशंस जिसमें आप एडहॉक क्वेरिंग कर सकते हो, जो मना है वो पूछ सकते हो बीआई से और वो आपको आपका डेटा का जवाब देगा। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, पावर बीआई, ओलैप, ये सब उसके एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारे। ये जो बीआई का सबसे बड़ा यूनिक फीचर है टेक्नोलॉजी का, वो क्या है? वो डेटा विजुअलाइज करके देता है आपको, इन्फोग्राफिक्स देता है, तो अट्रैक्टिव फॉर्म में देगा, फॉर्मेट, कलर्स, अलग अलग डेटा, ग्राफ्स, डिजाइन, ये सब यूज करेगा। इट विल कवर ऑल फॉर्म ऑफ एडवांस एनालिटिक्स लाइक डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो सब कवर करेगा। The data created by that BI will be stored in a data warehouse. Smaller data marts के अंदर उसे स्टोर किया जाएगा, जो क्लीन वगैरह किया जाएगा और ऑटोमेट किया जाएगा। There are BI teams which take care of BI tools, जिसमें there are analysts, architects, developers, users, a lot many people are involved. And the last, data business intelligence is also known as business analytics. उसको बिजनेस एनालिटिक्स भी बोलते हैं, कई बार इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बिजनेस रिपोर्टिंग और एंटरप्राइज रिपोर्टिंग। व्हेन अ बिजनेस वांट्स टू रिपोर्ट्स इट्स डेटा टू वेरियस स्टेक होल्डर्स इन अ प्रॉपर मैनर और फॉर्मेट सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर एबल टू नो अबाउट द कंपनी, इट इज नोन एज बिजनेस रिपोर्टिंग और एंटरप्राइज रिपोर्टिंग। जिसके अंदर बिजनेस रिपोर्टिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि उससे हाई क्वालिटी रिपोर्ट्स आती है, हाई क्वालिटी रिपोर्ट से बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस झलकता है, और आज के वक्त में जो ESG रिक्वायरमेंट होती है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयर करने की, वो सब भी पॉसिबल हो पाती है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस रिपोर्टिंग करती है तो वो अपने बारे में ये क्लीन चिट दे रही होती है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम इफेक्टिव हैं, एंड वी आर गिविंग अ कोहेसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर कंपनी। इसीलिए बिजनेस रिपोर्टिंग जरूरी है। तो बिजनेस रिपोर्टिंग के आज का एक बहुत बेहतरीन तरीका हो गया XBRL, दैट इज एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। व्हाट इज एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज? मुझे बहुत सारे लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो मैं उसे अपने फॉर्मेट में नहीं करूंगा, XBRL फॉर्मेट में करूंगा, ताकि एक स्टैंडर्ड मेथड होगा ऑफ कम्युनिकेशन। मैं किसी चीज को टर्नओवर बुलाता हूं, कोई उसे सेल्स बुलाता है, कोई उसे ग्रॉस रिसीट बोलता है। अगर सब अपने अपने नाम से इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो उसका कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए XBRL स्टैंडर्ड एक अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी बनाता है, विच इज अ डिक्शनरी ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स विच इज ऑथोरिटेटिवली डिफाइंड बाय XII, दैट इज XBRL इंटरनेशनल INC, विच इज अ ग्लोबल कॉन्सोर्टियम, विच इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 50 मेंबर कंट्रीज, विच इज मेकिंग एन अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी, जो पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हुए मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है और एक अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी क्रिएट करता है। तो XBRL के रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो ध्यान में रखनी है, इट इज अ फ्रीली अवेलेबल एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये XML बेस्ड है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड है, जिसे XII संभालता है, XBRL इंटरनेशनल INC। वो कौन है? एक ग्लोबल कॉन्सोर्टियम है, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, जिसकी 50 से भी ज्यादा मेंबर कंट्रीज है।
XBRL बेसिकली एक बिजनेस रिपोर्टिंग का तरीका है, जिसके अंदर आप जैसे पेपर मैप से डिजिटल मैप पे आ गए, वैसे ही पीडीएफ से या एचटीएमएल बेस्ड फाइल से आप XBRL फाइल्स पे आ गए। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। XBRL से होगा क्या, XBRL एक तरीके का बारकोड फॉर रिपोर्टिंग है, जैसे रिपोर्ट करने का एक बारकोड हो गया ये, जिसके अंदर जो लोग इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस होगा कि ये सही से यूज किया जाएगा, जो लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं उनको क्लैरिटी होगी कि ये सही तरीके से बना हुआ है, जो लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं वो जानते होंगे इसमें मिस्टेक्स नहीं हुई होगी, और जो इसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करेंगे वो थोड़ा रिलायबिलिटी फील कर सकते हैं, ये XBRL करके देगा। XBRL टैगिंग क्या है, बेसिकली जब मैं अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी में से सही वर्ड उठा के अपने डेटा को वहां डालूं तब उसे हम XBRL टैगिंग कहते हैं। जैसे मेरे टर्नओवर को मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने डाला तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी में से पढ़ा कि टर्नओवर इसमें डाला जाता है, तो मैंने मेरा फाइनेंशियल डेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में टैग किया है, तो दैट इज XBRL टैगिंग, दैट इज प्रोसेस बाय विच अ फाइनेंशियल डेटा इज टैग विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट एलिमेंट इन द अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी। इसे इस्तेमाल कौन करता है, सब इस्तेमाल करते हैं इसे, कंपनियां, रेगुलेटर्स, एनालिस्ट, डेटा प्रोवाइडर्स, अकाउंटेंट्स, गवर्नमेंट, जिसमें रेगुलेटर्स में हर तरह का रेगुलेटर, फाइनेंशियल रेगुलेटर चाहे वो RBI हो, सिक्योरिटीज रेगुलेटर चाहे वो SEBI हो, बिजनेस रजिस्ट्रार्स वो ROC हो, टैक्स अथॉरिटीज CBDT हो, या स्टैटिस्टिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज जैसे कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो, ये सब इसे यूज करते हैं। ये आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। What are the features? Basically, it is a summary of XBRL. XBRL के क्या features हैं? पहला, you get clear definitions. क्योंकि taxonomy है, तो there is authoritatively defined. So there is a clear definition कि इसका मतलब ये है. There are testable business rules. So there are rules जो clear है, defined है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा करना है. तो confusion नहीं होगा. अगर rules होते हैं, तो poor quality information भेजी नहीं जाती. Poor quality information accept नहीं होती. Questionable information highlight हो जाती है. और रेशियोज और कंसोलिडेशन करना आसान हो जाता है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छा है XBRL को, कई सॉफ्टवेयर्स के अंदर अपने आप XBRL फॉर्मेट में डेटा चला जाता है, आपको कुछ खास करना ही नहीं पड़ता। एंड इट हैज मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, कई देशों में चलता है तो मल्टीपल लैंग्वेज भी सपोर्ट की जाती है, जिससे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना भी आसान हो जाता है। तो चार फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्लियर डेफिनेशन है, टेस्टेबल बिजनेस रूल है, विट माइट बी मैथमेटिकल, विट माइट बी लॉजिकल, तो पुअर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, क्वेश्चनेबल इन्फॉर्मेशन हाईलाइट हो जाएगा, एंड रेशियोज एंड कंसोलिडेशन पॉसिबल होगा। स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट है एंड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, ये XBRL के फायदे हो गए। अब हमारा लास्ट आंसर आ जाता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस करते वक्त हम टैक्स के लिए सेम सॉफ्टवेयर यूज करें या टैक्स के लिए एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर लें, तो कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। आप इसे याद रखने के लिए CATFE ध्यान में रख सकते हो, CATFE कॉस्ट, अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैक्स सॉफ्टवेयर को साथ में ही ले लोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेटेड हो जाएगा, अलग रखोगे तो सस्ते में मिल जाएगा। ए, एक्यूरेसी, अगर आप साथ में ही रखोगे तो डेटा फ्लो कॉमन होगा तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, बट अगर आप अलग रखोगे तो डेटा में मिसमैच हो सकते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। एक साथ पूरा का पूरा रखोगे तो टाइम और एफर्ट कम लगेगा, वक्त बचेगा क्योंकि दो सिस्टम्स मेंटेन नहीं कर ले, अलग रखोगे तो टाइम एफर्ट ज्यादा लगेगा। फीचर और फैसिलिटी एक साथ रखने पे टैक्सेशन के इतने नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां सबके फीचर्स आ जाते हैं तो कोई ना कोई एक स्पेशल चीज डिस्काउंट हो जाती है, अलग रखोगे तो उसके फीचर्स आपको एक्स्ट्रा और बेनिफिट्स भी प्रोवाइड होंगे। जब एक साथ सब कुछ होगा तो इतना आसान नहीं होगा उसे यूज करना क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बट अगर सेपरेट डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होगा तो वो थोड़ा यूजर फ्रेंडली होगा, आसान होगा उसे यूज करना जब हम सॉफ्टवेयर ऑपरेशन की ईज की बात करते हैं। तो इस तरीके से CATFE, C इज कॉस्ट, A is accuracy, T is time required, F is features and E is ease of operation. ये आपके 5 points अगर आप एक ही software रखते हो या फिर अलग से tax software रखते हो। ये हमारा discussion हो गया, completion हो गया with regard to our chapter number 2, जिसकी आपको reference के लिए एक ABC category दी हुई है। ये ABC category reference के लिए है कि आपको किन चीजों को बहुत detail में पढ़ना चाहिए, किसको थोड़ा ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है कि इसके बेसिस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, लेकिन एक ट्रेंड एनालिसिस होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके बेसिस पे आप थोड़ी सी स्टडीज को अपना प्रॉपरली चैनलाइज कर सकते हो। तो आप इसे रेफर करना चाहें तो जरूर रेफर कर सकते हैं। बाकी इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। ऑफकोर्स डिफिकल्ट है, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट जो याद रखना आसान है, लेकिन कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ, बार बार रिवीजन के साथ
इसे ध्यान में रखा जा सकता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड उसके लिए आपको होल्ड करना होगा तो आसानी से यह काम हो जाएगा। होपफुली आपको सेशन बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। हमने क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ा होता है लेकिन हमने सेशन में क्विकली एक बार सब कुछ समराइज कर लिया होता है कि आपको याद रखने में थोड़ा सा इजी हो जाए पूरे के पूरे कंटेंट को। डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा सेशन, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही पढ़ते रहें, हम नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर EIS के रिविजन के लिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।